मुझसे क्यों पूछती रहती है? तूने एडवाइस मांगी है, मैं सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ। मैं एग्जाम्स देने जा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे करना ही नहीं चाहिए। और ये गिरीश ना बड़ा चालू निकला, फंसा दिया उसने मुझे ना, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी ये। तो तू ना रहने दे। क्या? हाँ, बेकार में इतना टेंशन लेके फायदा क्या, बोल, तो मजा आना चाहिए ना। तू रहने दे, समर को भी तो कराटे से पिक करना है, टाइम हो जाएगा। अरे एक और चाय पी ले। नहीं यार, तू खत्म कर अपने काम, चल बाय। मुझे ना वो क्या धोबी का नंबर भेज देना। ओके बाय। भेज दे। फेसबुक ना बहुत अजीब है, पुराने लोग अब बिल्कुल नए चेहरे। क्यों, कोई बॉयफ्रेंड से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? नहीं, हम बॉयफ्रेंड नहीं, स्कूल में एक साथ थे, दसवीं तक। बस देखते थे एक दूसरे की तरफ, और अब फेसबुक में लिखता है। मैं ना तुझे स्कूल में लाइक करता था, बताओ। स्टूपिड, लाइक करता था? हाँ। स्वीट। और तुम? मैं नहीं, सिर्फ चैट करती हूँ, दो लाइन लिखती हूँ, वो पांच लिखता है, अच्छा लगता है। बस यहीं तक रखो, हाँ, चैटिंग फील गुड रहो। हाँ हाँ, वेबकैम में जाना ना तो एकदम दुपट्टा शुपट्टा पहन के, वरना पॉन बन जाता है। हाँ। मैं तो बिल्कुल कद्दू कट रहती हूँ ये सब। हाय हेलो गुड बाय, नहीं तो फक ऑफ। अरे मैं भी उसी हिम्मत पे गाना आती रहती हूँ, फिर भी उसने गाना भेज दिया मुझे, मैं नहीं सॉन्ग कहती, बताओ। मैंने तो गाना चेक भी नहीं किया। साल में दो तीन ट्रिप अब्रॉड हो ही जाती हैं। नेक्स्ट ईयर यूएस डिज्नीलैंड, समर की चॉइस है। वैसे हर बच्चे को एक बार डिज्नीलैंड जाना चाहिए। हाँ वो तो है, नई जगह, नए होटल्स। मुझे ना फाइव स्टार्स की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मेरा बस चले तो पूरी जिंदगी फाइव स्टार्स में ही रहूं। दुबई में ना मेरा वॉक इन क्लोसेट था, यहाँ जितना बड़ा फ्लैट होता है ना उतना बड़ा वहाँ बैल्कनी होता है, इमेजिन। तुम वो सब छोड़ के यहाँ क्यों आई? क्यों, इंडिया में भी लोग वापस आ रहे हैं, एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के मुझे नहीं रहना कहीं पे। बिजनेस ही होगा, खुद तो नहीं पे कर रहा है, कंपनी दे रही होगी ना। फिर भी इतने दूर से आ रहा है, एक शाम के लिए, पोलाइटनेस के लिए सही।
हल्का मिलना है यार एक बार तो ऐसे जाओगी क्या not now wait now खोलो एकदम कॉलेज पर रिटर्न लग रहा है तू वो हैव समथिंग बहुत सूट करेगा बहुत महंगा होगा वो तो है विंटेज डिजाइन सिंगापुर से लिया था ऋषि के साथ झगड़ा करके इसीलिए और भी ज्यादा कीमती है दे रहे हैं आपको ये लो मुझे लगता है ऐसे कि इसीलिए कुछ हम बहुत देर से एक साथ में रह रहे हैं खुशी रखते पालम ना मुझसे बहुत खून चाप हुआ था पालम ना झाड़ू चप्पल सैंडल सब फेंकों के लड़ते थे साहब लोन पैसा सब ऐसे बातें था अब मेरे लोगों को ना सर कभी नहीं होना चाहिए था कुछ ना नहीं था पर बाबा की क्या गलती थी साहब लोन वोन का बड़ा चक्कर था उनका बैंक वाले तो रोज आते थे गाली के लोच होती थी बहुत Glass of Chardonnay? Some scotches? Ha, kuch bhi. We'll have some bruschetta. All right, thank you. Oh, that's a lovely necklace. Vintage hai. Singapore se liya tha. Very nice. To tum travel bahut karti ho? Saal mein 2-3 trips to ho hi jate hain abroad. Pleasure with business. एक्चुअली क्या है ना वो बहुत
थैंक यू. एक्चुअली वो इतना बिजी रहते हैं कि कभी कभी तो फेस टाइम पे ही मुलाकात होती है. और होटल में वही पूल साइड. नो, फाइव स्टार होटल में बच्चों के लिए इतना कुछ होता है. मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी होटल्स में ही रहूं. मेरे साथ कुछ उल्टा है अलका. जब मैं फाइव स्टार में घुसता हूँ ना तो मुझे घुटन सी महसूस होती है. I find it all fake, the elevators, the buttons, the music, and the water. You know, कोई अपना नहीं होता है वहाँ पे. और everybody is just serving you. Bloody hell, it's just a job. पहले ये सब चकाचौंध की जिंदगी अच्छा लगता था. I used to enjoy it, but अब ये सब खोखला लगता है. You know what I like? I like something simple, जैसे टी वी पे कोई अच्छा शो हो और ठीक सी कोई बीवी हो और घर में बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और मैं बैठ के टी वी देख रहा हूँ और किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ आती है और मैं इरिटेट होता हूँ. यू नो, जस्ट सिंपल लाइफ यूजुअल. अगले साल ना हम US जा रहे हैं. डिज्नीलैंड समर की चॉइस. एक्चुअली गिरीश, हर बच्चे को एक बार तो डिज्नीलैंड जाना चाहिए. नहीं दिव्या. एंड यस, आई डिड.